हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंडियन मुस्लिम मॉम पैशन। तो ये है मेरा ईद से एक दिन पहले का व्लॉग। तो आप सबको ईद उज़ुहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और आज जो है ना, मैं वॉइस ओवर में ही आपको विश करूँगी, क्योंकि मैंने फ्रंट कैमरे से जो है ना आपसे बात नहीं की है। तो मैं आपको यहीं से विश कर रही हूँ। तो आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक। आप सबके ज़िंदगी में ईद बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। आई नो कि बहुत लेट विश कर रही हूँ, कल ही मुझे विश कर देना चाहिए था, लेकिन कल जो है ना मैं आपको विश नहीं कर पाई, तो इसलिए मैं आज आपको विश कर रही हूँ। ये मेरा ईद के एक दिन पहले का व्लॉग है। तो आज आप लोगों को ईद का और ईद के एक दिन पहले का दोनों व्लॉग एक साथ मिलने वाले हैं। और जो ईद का व्लॉग है वो मैं जो है ना कंटिन्यू शूट नहीं कर पाई। वो क्यों नहीं कर पाई मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पर जो है ना मैं रोटियाँ बना रही हूँ, क्योंकि आज हम लोगों को फिर से जाना है हॉस्पिटल डॉक्टर के पास में, क्योंकि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में अपडेट दे दिया था कि मेरी जो कोरोना रिपोर्ट है वो अल्हम्दुलिल्लाह से नेगेटिव आई है। तो डॉक्टर्स ने जो है ना मुझे कहा था कि आपकी रिपोर्ट आ जाएगी तो आप फिर से जो है ना एक मरतबा आकर हमें चेकअप करवा कर जाना। तो उसी लिए जो है ना हम लोग आज डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो इसलिए जो है ना मैं यहाँ पर बना रही हूँ फटाफट रोटियाँ, क्योंकि अम्मी जो है वो कपड़े धोने में बिज़ी हैं, और जो मेरी बहन है कल ईद है तो ईद की तैयारी में वो बिज़ी है, घर की सफाई वगैरह करना है तो वो उसमें बिज़ी है। तो मैं यहाँ पर जो है ना दोपहर का कुछ खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। नाश्ता हम लोगों का हो गया है, और मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारे यहाँ पर जो है ना खाना सुबह में ही बनता है, तो वही यहाँ पर बन रहा है। और ये जो है ना सुबह के 9:30 बजे का टाइम है, और हम लोगों का नाश्ता जो है ना सुबह में बहुत जल्दी हो जाता है। हम लोग जैसे ही उठते हैं ना तो बस ब्रश करके हम लोग चाय वगैरह पी लेते हैं, चाय टोस्ट वगैरह पी लेते हैं, या फिर चाय ब्रेड खा लेते हैं। तो वैसे हम लोगों का गाँव में चलता है। तो अभी तो जो है ना यहाँ पर हमारा खाना बन रहा है, उसके बाद हम लोग जाएँगे डॉक्टर के पास में। तो सारे जो काम हैं वो ऑलमोस्ट सब मिलकर कर रहे हैं आज, क्योंकि आज जो है ना काम ज़्यादा थे और टाइम जो है ना हम लोगों के पास थोड़ा सा कम था, क्योंकि गांव के मौसम का तो आपको पता है, थोड़ा सा जो है ना टाइम हो जाता है ना तो धूप बहुत तेज़ निकलती है, तो हमारे आंगन में भी ना बहुत तेज़ धूप आती है। तो इसलिए जो है ना टाइम पर हम लोगों को सारे काम करने होते हैं, अदरवाइज़ धूप में तो कुछ काम होते ही नहीं है। तो इसलिए जो है ना हम लोग यहाँ पर अभी अपने फटाफट काम कर रहे हैं। तो ये देखिए, देखते ही देखते जो है ना मेरा एक पराठा बन गया है, और हम लोग जो है ना यहाँ पर पराठे ही खाते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है जो सूखी रोटी होती है ना, जो मैं अपने घर पे बनाती हूँ, बहुत ही कम बनती है। इनफैक्ट मुझे खाना होता है तो ही मैं बनाती हूँ, अदरवाइज़ नहीं बनती है। और आज के बैकग्राउंड में तो जो है ना वॉइस ओवर में कुत्तों की भी आवाज़ आपको आ रही होगी, क्योंकि गांव में ना कुत्ते भी बहुत ज़्यादा हैं। तो वॉइस ओवर करते वक्त भी ना बहुत सोचना पड़ता है कि पता नहीं कौन कौन सी आवाज़ें आप लोगों को सुनाई देंगी। तो रोटी मेरी बन गई है, ऑलमोस्ट खाना पूरा बन गया था, और मैं यहाँ पर बाहर आकर बैठी हुई थी। और देखिए यहाँ पर हिमाद की और हिमाद की आंटी की जो है मस्ती चल रही है। ये जो दाल के पैकेट है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, हम लोग बचपन में खाया करते थे। और किस किस को ये पैकेट पसंद है मुझे ज़रूर बताना। और ये जो है ना हिमाद लेकर आए हैं मेरे लिए, और उनकी जो आंटी है ना वो उनसे खींच कर ले रही थी, तो हिमाद ने जो है ना दिया नहीं है। लेकिन यहाँ पर हिमाद को देखिए, हिमाद अपनी नानी को बराबर खिला रहे हैं ये वाली दाल लाकर। अम्मी जो है ना यहाँ पर कपड़े धोने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन हिमाद को जो है अभी खिलाना है नानी को। और हिमाद का ऐसे होता है, अगर उन्होंने दे दिया है ना खाने के लिए, बोल दिया है, तो खाना ही चाहिए, अदरवाइज़ जो है ना जब तक सामने वाला खाता नहीं है ना तो हिमाद उनके सामने ही खड़े हो जाते हैं कि खाओ खाओ खाओ। तो अम्मी ने जो है ना इसमें की दाल खा ली है, और ये कपड़े धोने के लिए बैठे हुए हैं। और आज जो काम है ना वो बस ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि हम लोगों को भी डॉक्टर के पास जाना है, और कल ईद है तो कपड़े ही बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे, तो अम्मी जो है ना वही कपड़े धो रहे हैं। तो ये देखिए अभी यहाँ पर जो है ना पोछा लग रहा है, सारा आंगन जो है वो क्लीन हो रहा है, कल ईद है उसकी तैयारी हो रही है। और ये जो आंगन है ना, अगर बारिश आता है तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, जैसे ही बारिश आया आंगन गंदा हो गया, ऐसे वाला हिसाब है यहाँ का। लेकिन फिर भी जो है ना मेरी बहन को चैन नहीं होता है, तो ये जो है ना पोछा लगाते बैठ जाती है, और मैं जो है ना बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा भी करती हूँ कि अभी पोछा मत लगाओ, बारिश होने वाली है, ऐसे वैसे। लेकिन ये मैडम ना सुनती नहीं है, तो इनको बस पोछा लगाना होता है, क्योंकि घर जो है ना अगर साफ़ रहेगा ना तो ही घर में दिल लगता है, अदरवाइज़ जो है ना ऐसे दिल करता है कि कहीं भाग जाओ घर को छोड़कर।
और मेरी आवाज़ से आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरी जो तबीयत है वो अभी भी ठीक नहीं हुई है। और यहाँ पर जो है ना मेरी आँखें आप देख सकते हैं, सर्दी की वजह से जो है ना पूरी मेरी आँख इतनी रेड हो गई थी ना, पूरा पानी पानी हो गया था आँख में। और डॉक्टर के पास से आने के बाद जो है ना हम लोग यहाँ पर आ गए थे हिमाद के कपड़े देखने के लिए। मैंने आपको बताया था इससे पहले के व्लॉग में कि मैंने जो है ना हिमाद के कपड़े 2-3 दुकान में देखे थे, लेकिन मुझे हिमाद के कपड़े कोई अच्छे मिले नहीं थे, तो हम लोगों ने नहीं लिया था। लेकिन अभी अम्मी ने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर देख लेते हैं, तो वही हम लोग देख रहे हैं। हिमाद के कपड़े अगर हम लोगों को यहाँ से मिल जाते हैं तो हम लोग यहाँ से ले लेंगे। तो ये देखिए टी शर्ट्स वगैरह जो है ना हम लोग देख रहे थे, वैसे कोई सेट में था नहीं, बस हम लोग इसलिए जो है ना टी शर्ट्स और पैंट अलग अलग देख रहे थे। और ये देखिए ये वाला टी शर्ट जो है ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ये थोड़ा सा ना कुर्ता टाइप में है तो ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं यही ले लेती हूँ। और मैंने जो है ना यही वाला टी शर्ट हिमाद के लिए लिया है, तो ये आपको ईद के व्लॉग में देखने को मिलेगा जो कि मतलब आगे आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया इसी व्लॉग में मैंने उसको ऐड कर दिया है। और ये हम जो है ना अपने भाई के लिए देख रहे थे टी शर्ट, तो यहाँ से हम लोगों ने एक टी शर्ट ली थी और उस दुकान से हम लोगों ने हिमाद के कपड़े ले लिए थे। तो यहाँ से कपड़े लेने के बाद हम लोग चले गए थे घर पर, क्योंकि और कुछ काम हम लोगों को नहीं था, बस यहाँ से हम लोगों को कपड़े लेना था। उसके बाद जो है ना हम लोग सीधे घर चले गए थे। तो अभी मैं जो है ना यहाँ पर मेहंदी लगा रही हूँ, ये मेरे भाई की लड़की है, ये मेहंदी लगाने के लिए आई थी मेरी बहन के हाथ से। तो ये एक मरतबा आकर ना चली गई, तो वो मुझे बोलने लगी कि मैं जो है ना मेहंदी लगाने के लिए आई हूँ। तो मेरी बहन जो है वो थोड़ा सा बिज़ी हो रही थी, वो खाना वगैरह बना रही थी, तो मैंने बोला कि चल मैं ही लगा देती हूँ। तो मैं इसको जो है ना यहाँ पर मेहंदी लगाने के लिए बैठी हुई हूँ, और इसने जो है ना सिर्फ एक हाथ पे मेहंदी लगाया है। मैंने बोला कि मैं दोनों हाथ पे लगाती हूँ, तो मुझे बोलती कि नहीं मुझे खाना खाना है। तो मैं बोल रही थी उसको कि तुम्हारी मम्मी जो है ना तुम्हें खाना खिला देंगे, लेकिन बच्चे जो है ना मानते नहीं हैं, उन्हें जो करना होता है जितना लगाना होता है ना उतना ही लगा कर चले जाते हैं। तो अभी ये बैठ कर जो है ना मेरे से बस ये बोल रही है कि जल्दी जल्दी लगाओ और मुझे कौन दे दो, मैं चली जाऊँगी। तो इसकी बातें भी चल रही हैं यहाँ पर, और हिमाद भी बैठे हुए हैं। और इस बार जो है ना हिमाद ने ज़िद नहीं की है कि उन्हें मेहंदी लगाना है, अदरवाइज़ लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा जो मेरा रमज़ान ईद का व्लॉग था ना, उसमें हिमाद बहुत ज़िद कर रहे थे कि मुझे भी मेहंदी लगाना है। तो मैंने भी जो है ना हिमाद को वहाँ पर मेहंदी लगाई थी, लेकिन मैंने जो है ना मेहंदी नहीं लगाई है क्योंकि सर्दी मुझे इतनी तेज़ हो रही थी ना कि बिल्कुल मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं मेहंदी वगैरह लगाऊँ। लेकिन ये बच्ची को जो है ना मैं लगाने के लिए बैठ गई थी। और ये है ईद का दिन, और यहाँ पर जो है ना नमाज़ की तैयारी हो रही है। हमारे यहाँ पर जो है ना सब मिलकर नमाज़ पढ़ते हैं औरतें, तो आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लगेगा सुनने में, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसे ही पढ़ते हैं सब, नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, फिर ईद मिलते हैं, उसके बाद अपने अपने घर पर जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों की नमाज़ हो रही है। तो मैंने जो है ना ईद के व्लॉग को कंटिन्यू इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, बहुत ज़्यादा सर्दी होने की वजह से जो है ना मेरा सर भी दुख रहा था, और बिल्कुल मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं कुछ वीडियो बनाऊँ या फिर कुछ भी फ़ोटो वगैरह लूँ, तो इसलिए जो है ना मैंने इस व्लॉग को कंटिन्यू नहीं किया। तो नमाज पढ़ने के बाद जो है ना मैं बस सो गई थी, तो पूरा दिन जो है ना मेरा ऐसे ही सोने में निकला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना तकिया रखा हुआ है, तो बस मैं सो गई थी, अम्मी जो है ना शीरकुरमा लेकर आए थे तो वही मैं पी रही हूँ यहाँ पर बैठकर। तो आई होप कि जो ना आप लोग समझ जाएंगे कि मैंने जो है ना अच्छा अपना व्लॉग क्यों नहीं बनाया। वैसे बनाती तो बहुत अच्छा व्लॉग बनता ही है, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से ना मैंने नहीं बनाया है, क्योंकि अगर आपकी तबीयत अच्छी होती ना तो ये आपको दुनिया भी अच्छी लगती है, चीज़ें भी अच्छी लगती हैं। तो तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने इस व्लॉग को कंटिन्यू नहीं किया है, आई होप कि आप जो है ना समझ जाएंगे। तो चलिए मैं इस व्लॉग को जो है ना यहीं पर एंड करती हूँ। आप सबको फिर से एक मरतबा ईद उज़ुहा बहुत बहुत मुबारक हो। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।